हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखिए, हमें कुछ वर्ड्स गिवन है और उसके साथ हमें जो पार्ट्स गिवन है इनमें आपको कोई ना कोई वर्ड मिसिंग मिलेगा, और यहाँ पर जो ये वर्ड्स गिवन है इनमें से करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर सही जगह पे प्लेस करना है। देखिए, ए पार्ट देखते हैं, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। देखिए, यहां पर कहा गया है कि अगर हम सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एक ही तरह के प्लांट्स अगर ग्रो करते हैं या खेती करते हैं उनकी ऑन अ लार्ज स्केल, बड़ी संख्या में एट अ प्लेस, किसी एक जगह पर, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको स्टूडेंट्स क्रॉप कहा जाता है, क्रॉपिंग करना यानी खेती करना। तो जब भी हम किसी एक जगह पर एक ही तरह के प्लांट्स को बड़ी संख्या में उगाते हैं, खेती करते हैं, तो इसके लिए सही वर्ड यहाँ पे रहेगा क्रॉप। तो ए पार्ट का आंसर यहाँ पर है क्रॉप। अब बी पार्ट देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सोइल। क्रॉप उगाने से पहले, बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि क्रॉप उगाने से पहले जो पहला स्टेप हमारा होता है वो क्या होता है? यहां पर सही वर्ड रहेगा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयार करना। किसको तैयार करना, किसको प्रिपेयर करना? सोयल को प्रिपेयर करना। तो यहां पर सही वर्ड है प्रिपेयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम खेती शुरू करते हैं उससे पहले हम मिट्टी यानी जमीन को तैयार करते हैं, उसे खोदते हैं, उसे नरम बनाते हैं। तो यहां पर सही वर्ड है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब तैयार करना। किसको प्रिपेयर करना, किसको तैयार करना? सोयल को तैयार करना। इसके बाद हम सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में कहा गया है, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वॉटर। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको सीड्स को सिलेक्ट करना हो कि अच्छे सीड कौन से हैं, खराब सीड कौन से हैं, तो इसकी एक पहचान, इसका एक तरीका यह होता है कि अगर आप बीजों को यानी सीड्स को पानी में डाल दें तो जो डैमेज सीड्स होते हैं यानी कि जो खराब सीड्स होते हैं, ये अंदर से खोखले होते हैं, होलो होते हैं, तो ये पानी के ऊपर तैरते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं। जबकि जो अच्छे सीड्स होते हैं वो अंदर से भरे होते हैं, तो ये थोड़े हैवी होते हैं, तो ये पानी में डूब जाते हैं। तो यहां पर जो हमसे कहा गया था कि डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वॉटर, तो जो डैमेज सीड्स होते हैं ये टॉप ऑफ वाटर, पानी के ऊपर तैरते हैं, तो इसके लिए सही वर्ड यहां से आएगा फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। तो जो खराब सीड्स होते हैं वो तैरते हैं टॉप ऑफ वाटर यानी पानी के ऊपर। अब हम डी पार्ट देखते हैं, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सोयल इज एसेंशियल। देखिए, यहां पर हमसे कहा गया है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, फसल उगाने के लिए सफिशियंट सनलाइट, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट की जरूरत होती है, एंड डैश, यहां के लिए सही वर्ड रहेगा वॉटर, क्योंकि सनलाइट के अलावा फसलों को यानी क्रॉप्स को वॉटर की भी जरूरत होती है, एंड डैश। अब इसके लिए सही वर्ड रहेगा न्यूट्रिएंट, क्योंकि फसलों को पानी के अलावा, सनलाइट के अलावा न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है। तो अब हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, फसलें उगाने के लिए सफिशियंट सनलाइट, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट की जरूरत होती है, एंड डैश, वाटर की जरूरत होती है, एंड डैश, यहां पर आएगा न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है फ्रॉम द सॉइल। इसका मतलब यह है कि जो वाटर और जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये क्रॉप यानी कि फसलों को कहां से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं। इज एसेंशियल यानी कि ये जरूरी होते हैं। तो डी पार्ट के लिए दो सही आंसर है, वॉटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। यहां पर हमें दो कॉलम गिवन है स्टूडेंट्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी, और हमें इनके आइटम्स को मैच करना है। फर्स्ट कॉलम में हमें गिवन है खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, और बी कॉलम में हमें गिवन है फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, वीट, ग्राम, पी, पैडी एंड मेज। तो सबसे पहले यहां पर हमें गिवन है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स हम उन क्रॉप्स को कहते हैं जो कि रेनी सीजन यानी बारिशों के दिनों में उगाई जाती है। तो इसके लिए यहां पर सही ऑप्शन रहेगा ई ऑप्शन, क्योंकि पैडी और मेज यानी कि धान, पैडी का मतलब होता है धान और मेज हम कहते हैं मक्का या मकई को, तो ये बारिशों के दिनों में उगाई जाती है। तो खरीफ क्रॉप्स के सामने हमने ये ई ऑप्शन यहां पे रखा,
पैडी एंड मेज, इसके बाद स्टूडेंट्स रबी क्रॉप्स, ये वो क्रॉप्स वो फसलें होती हैं जो विंटर्स में यानी सर्दियों के दिनों में उगाई जाती हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, वीट ग्राम एंड पी। वीट मतलब गेहूं, ग्राम चना, पी यानी के मटर। तो रबी क्रॉप्स के सामने हमने लिखा डी, वीट ग्राम एंड पी। और थर्ड नंबर पे गिवन है केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये फर्टिलाइजर जो होते हैं स्टूडेंट्स ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स को, क्रॉप्स को, लेकिन ये केमिकल से बने होते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। यूरिया और सुपर फॉस्फेट दोनों ही केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर के सामने हमने रखा किसको, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट को। इसके बाद चौथे नंबर पे है ऑर्गेनिक मेन्योर, ये जो सब्सटेंस होता है मेन्योर ये भी फर्टिलाइजर की तरह जो क्रॉप्स होती है उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ये केमिकल से नहीं बनते, ये ऑर्गेनिक यानी नेचुरल होते हैं। देखिए ये कैसे, इसके लिए सही ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन, एनिमल एक्सक्रेटा, जानवरों का वेस्ट, काउ डंग, काउस का वेस्ट, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। यहाँ पर एनिमल के वेस्ट, काउ के वेस्ट, काउस के यूरिन और प्लांट वेस्ट से हम मेन्योर को तैयार करते हैं और फिर ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं किनको, क्रॉप्स को। तो चौथा चौथा जो पार्ट है ऑर्गेनिक मेन्योर, उसके लिए सही ऑप्शन रहेगा सी, एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, यानी हमें खरीफ क्रॉप के भी दो एग्जाम्पल देने हैं और रबी क्रॉप के भी। तो याद रखिएगा कि जो खरीफ क्रॉप होती है ये वो क्रॉप होती है जो कि रेनी सीजन यानी बारिशों के दिनों में उगाई जाती है। तो खरीफ क्रॉप जो है उसके दो एग्जाम्पल है पैडी यानी धान और मेज यानी मक्का, जिसको मकई भी कहते हैं। इसके बाद है रबी क्रॉप, ये वो क्रॉप वो फसलें होती है जो विंटर सीजन यानी के सर्दियों में उगाई जाती है। तो इसके दो एग्जाम्पल है वीट यानी गेहूं और ग्राम यानी के चना। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है स्टूडेंट्स राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर हमें चार टर्म्स गिवन है, ए पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, बी पार्ट है सोइंग, सी पार्ट है वीडिंग और डी पार्ट है थ्रेशिंग। हमें इन चारों टर्म्स के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हमें दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल क्या होता है, इट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। फसल उगाने से पहले, बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप मतलब फसल उगाने से पहले, ये पहला स्टेप होता है हमारा यानी फसल उगाने से पहले का काम है। फर्स्ट टास्क इन द प्रोसेस इज टू टर्न द सॉयल एंड लूजन इट। तो सबसे पहले तो मिट्टी को, जमीन को खोदा जाता है और उसे नरम बनाया जाता है, ठीक है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इन द सॉयल। और जब हम मिट्टी को खोदते हैं, मिट्टी को नरम बनाते हैं, तो ये मदद करता है प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनको डीप जाने में, यानी कि नरम मिट्टी होगी, खुदी हुई मिट्टी होगी, नरम मिट्टी होगी तो जो प्लांट्स होंगे उनकी रूट्स गहरी जा सकती है, जो कि प्लांट्स के लिए अच्छा होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉयल इज कॉल्ड टिलिंग। मिट्टी को खोदना, उसे नरम बनाना, ये क्या कहलाता है, टिलिंग और प्लोइंग। इसको प्लोइंग भी कहते हैं और टिलिंग भी कहते हैं। विच इज डन बाय अ प्लो, जिसे किसकी मदद से किया जाता है, प्लो की मदद से, जिसे हिंदी में हल कहते हैं। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, जो प्लो होते हैं ये लकड़ी या लोहे के बने होते हैं। नाउ डेज, वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में, प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टिवेटर। वर्तमान समय में जो प्लोइंग है, जमीन को खोदने का जो काम होता है, नरम बनाने का जो काम होता है, इसके लिए ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्लो के मुकाबले जल्दी काम करते हैं और मेहनत भी कम लगती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉयल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉयल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। तो जब हम टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉयल करते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि हम मिट्टी को खोदते हैं, उसे नरम बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जो जमीन के नीचे की तरफ जो न्यूट्रिएंट से भरी हुई मिट्टी होती है वो टॉप पर आ जाती है। देखिए यही यहाँ पर लिखा गया है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉयल ब्रिंग्स, ब्रिंग्स मतलब ले आती है द न्यूट्रिएंट रिच सॉयल, न्यूट्रिएंट से भरी मिट्टी को टू द टॉप, ऊपर की तरफ, सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। अब हम बी पार्ट यानी के सोइंग करेंगे। बी पार्ट में गिवन है स्टूडेंट्स सोइंग, सोइंग यानी के बुआई, बीजों को बोना। इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉयल, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सीड्स को डाला जाता है मिट्टी में।
सीड्स आर सोन इन द फील्ड आफ्टर प्लोइंग, और सीड्स को कब बोया जाता है, कब डाला जाता है मिट्टी में, आफ्टर प्लोइंग यानी मिट्टी को खोदने और नरम करने के बाद। अ फार्मर नीड्स टू सेपरेट डैमेज सीड्स फ्रॉम गुड वंस, फार्मर्स यानी किसानों को यह भी ध्यान रखना होता है कि उन्हें डैमेज सीड्स को गुड वंस यानी कि खराब सीड्स को अच्छे सीड्स से सेपरेट भी करना होता है, यानी अलग अलग करना होता है। द सीड्स शुड बी सोन एट प्रॉपर गैप्स एंड एट प्रॉपर डेप्थ, और ये भी ध्यान रखना होता है कि जो बीज बोए जाएं वो प्रॉपर गैप पर होने चाहिए और प्रॉपर डेप्थ यानी कि सही गहराई पर बोने चाहिए। प्रॉपर गैप बिटवीन सीड्स एंड प्रॉपर डेप्थ इन द सोयल एंश्योर्स एडेक्वेट सनलाइट मॉइस्चर एयर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स, और अगर सीड्स प्रॉपर गैप पे बोए जाते हैं और प्रॉपर गहराई यानी प्रॉपर डेप्थ पे बोए जाते हैं इन द सॉयल एंश्योर्स, तो ये इस बात को पक्का करता है कि एडेक्वेट यानी कि पर्याप्त मात्रा में मिलता है क्या, सनलाइट मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, एयर मिलेगी और न्यूट्रिएंट मिलेगा टू द ग्रोइंग प्लांट्स यानी उन बीजों में से जो प्लांट्स उगेंगे उनको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मॉइस्चर यानी के पानी एयर यानी हवा और न्यूट्रिएंट मिलेंगे जो कि उनके लिए अच्छे रहते हैं। सी पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? इन अ क्रॉप फील्ड मैनी अदर अनवॉन्टेड प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। जब हम खेती करते हैं फसलें उगाते हैं तो बहुत से अनवॉन्टेड प्लांट्स नेचुरली अपने आप उगाते हैं क्रॉप के साथ। दीज आर कॉल्ड वीड्स, इन्हें ही हम वीड्स कहते हैं। वीड्स आर हार्मफुल फॉर द क्रॉप, जो वीड्स होते हैं ये क्रॉप यानी फसलों के लिए हार्मफुल यानी हानिकारक होते हैं। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स के अगर वीड्स उगाते हैं तो ये जो फसलों को न्यूट्रिएंट पानी स्पेस और जो हवा मिलनी चाहिए ये उन क्रॉप के साथ उसके लिए कंपीट करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट और वाटर क्रॉप्स के अंदर जाना चाहिए ये उनको भी यूज करना शुरू कर देते हैं जो हमारी क्रॉप्स के लिए खराब होता है। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और रिमूवल ऑफ वीड्स यानी कि वीड्स को रिमूव करना, वीड्स को हटाना यही वीडिंग कहलाता है। वीड्स कैन बी रिमूव्ड ईदर मैन्युअली बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। देखिए यहाँ पर यह कहा गया कि वीड्स को रिमूव करने के लिए मैनुअल तरीके भी होते हैं जैसे कि अपरूटिंग उखाड़ कर फेंक देना और कटिंग देम या फिर उन्हें काट देना क्लोज टू द ग्राउंड बिल्कुल नीचे की तरफ से विद द हेल्प ऑफ खुरपी, किसकी मदद से, खुरपी की मदद से, या इसके लिए केमिकल मेथड भी होते हैं वो यहां बताया गया है, और बाय यूजिंग वीडिसाइड्स या फिर हम वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करके भी जो वीड्स होते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। वीडिसाइड्स केमिकल होते हैं, जब हम इनका स्प्रे करते हैं तो ये वीड्स को तो खत्म कर देते हैं लेकिन क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, और जो सबसे अच्छा समय होता है वीड्स को रिमूव करने का वो समय होता है जब उनमें फ्लावर्स और सीड्स नहीं आए होते। फ्लावर्स और सीड्स आने से पहले अगर हम उन्हें रिमूव कर देते हैं तो ये ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक बार फ्लावर और सीड्स अगर उनमें आ गए वीड्स में तो ये जमीन से ज्यादा न्यूट्रिएंट और ज्यादा पानी खींचना शुरू कर देते हैं जो फसलों के लिए काफी हानिकारक रहता है। तो फ्लावर्स और सीड्स के आने से पहले ही वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए। अब हम डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट में हमें गिवन है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? When the crop mature, जब फसल mature हो जाती है, फसल पक जाती है, they are cut, तो उन्हें काटा जाता है। This process is called harvesting, इसे कहते हैं harvesting, और harvesting के बाद होती है students threshing, कैसे? In the harvested crop, जिस फसल को काट लिया जाता है, the grain seeds need to be separated from the chaff. अब इसको ध्यान से समझिएगा, जब पकी हुई फसल को आपने काटा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने गेहूं की खेती की और जब वो फसल पक गई, वो क्रॉप मैच्योर हो गई, आपने उसे काट लिया, इसे तो कहेंगे हार्वेस्टिंग। अब ये जो हार्वेस्टेड क्रॉप है, अब गेहूं तो उसी में चिपका हुआ है प्लांट में, अब उसमें क्या होता है कि जो ग्रेन सीड्स यानी जो गेहूं है उसको हमें चाफ से अलग करना है। चाफ मतलब प्लांट का वो वाला पार्ट जो हमारे खाने के लायक नहीं होता, तो गेहूं को यानी कि ग्रेन सीड को चाफ से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। थ्रेशिंग का जो प्रोसेस है ये एक मशीन के द्वारा किया जाता है जिसका नाम है कंबाइन, विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। जो कंबाइन मशीन है ये हार्वेस्टर का भी काम करती है यानी फसलों की कटाई का भी काम करती है।
एज वेल एज अ थ्रेशर, और ये ग्रेन सीड्स को चाफ से अलग करने का काम भी करती है। ये दोनों काम एक ही मशीन के द्वारा होते हैं, जिसे कंबाइन कहते हैं। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड, और ऐसे किसान जो छोटी जमीनों पे यानी कम मात्रा में खेती करते हैं, डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ। वो ग्रेन को चाफ से कैसे अलग करते हैं? बाय विनोइंग मशीन। वो ग्रेन को चाफ से अलग करने के लिए विनोइंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर। हमें फर्टिलाइजर और मेन्योर में डिफरेंस बताने हैं। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जो फर्टिलाइजर्स और मेन्योर होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मिट्टी में यानी के जमीन में जरूरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं, जो क्रॉप्स के लिए यानी खेती के लिए, फसलों के लिए अच्छे होते हैं। यानी इन दोनों का काम तो एक ही है कि ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं क्रॉप के लिए, लेकिन इनमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सोर्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये मैन मेड होते हैं और केमिकल से बनते हैं। मेन्योर, मेन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। जो मेन्योर होता है ये नेचुरल सब्सटेंस होता है, इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता। ऑब्टेन्ड बाय यानी कैसे हासिल किया जाता है? ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज, यानी कैटल के वेस्ट यानी एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को डीकम्पोज करके, यानी इन्हें सड़ा के। जब एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को सड़ाया जाता है तो उससे मेन्योर बनता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बनते हैं। मेन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, जबकि जो मेन्योर होते हैं वो खेती की जमीन में ही बनाए जा सकते हैं। वहीं पर गड्ढे खोद के उसमें एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को दबा दिया जाता है, और जब वो सड़ जाता है तो उससे मेन्योर बनता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर होते हैं ये बहुत रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, कि मान लीजिए कि आपके फील्ड में, आपके खेत में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, जैसे नाइट्रोजन की कमी हो गई, तो आप नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर ला सकते हैं और उसको अपनी जमीन में डालेंगे, तो न्यूट्रिएंट जो होगा, जो नाइट्रोजन की कमी हुई होगी, वो उसमें जल्दी से पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो फर्टिलाइजर आप लाएंगे वो भरा होगा यानी रिच होगा नाइट्रोजन से। ऐसे ही अगर फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस का फर्टिलाइजर लाइए, उसको डाल दीजिए मिट्टी में, वो फटाफट से उस कमी को पूरी कर देगा। ऐसे पोटेशियम भी अगर आपकी जमीन में कम हो जाता है, पोटेशियम का फर्टिलाइजर लाइए, तो जो फर्टिलाइजर आप लाएंगे वो रिच होगा यानी भरा होगा पोटेशियम न्यूट्रिएंट से, ये उस कमी को भी फटाफट पूरी कर देगा। लेकिन मेन्योर में ऐसा नहीं होता। मेन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। इसका मतलब ये है कि मेन्योर्स के अंदर एक ही तरह का न्यूट्रिएंट नहीं होता, इसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं। अगर किसी एक कमी को आपको पूरा करना है तो उसमें मेन्योर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे काम करेगा, और इसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, दे कैन बी हार्मफुल इफ यूज एक्सेसिवली। अगर फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज किया जाए, एक्सेसिवली यूज किया जाए, तो ये हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं सोयल यानी मिट्टी के लिए भी और क्रॉप के लिए भी। जबकि मेन्योर के साथ ऐसा नहीं होता, दे डू नॉट हार्म सोयल और क्रॉप। मेन्योर मिट्टी के लिए और क्रॉप यानी फसलों के लिए हानिकारक नहीं होते। आखिरी पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट, फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोयल। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, जब फर्टिलाइजर मिट्टी में डाला जाता है तो ये क्रॉप के द्वारा फटाफट यूज कर लिया जाता है। फर्टिलाइजर्स जो है वो मिट्टी का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि ये मिट्टी का पार्ट नहीं बनता, तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स मिट्टी में ह्यूमस को ऐड नहीं करता। फर्टिलाइजर्स में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो जैसे ही आप डालेंगे फर्टिलाइजर, वो न्यूट्रिएंट यूज हो जाएंगे क्रॉप के द्वारा, और ये मिट्टी का पार्ट नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये मिट्टी में ह्यूमस ऐड नहीं करता। मेन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोयल, जबकि जो मेन्योर होते हैं ये बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं मिट्टी के लिए। यानी कि जो मेन्योर होते हैं ये मिट्टी का एक पार्ट बन जाते हैं, मिट्टी के साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं, और ये काफी लंबे समय तक क्रॉप को यानी फसलों को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे। सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वॉटर। हमें दो ऐसे मेथड इरिगेशन के बताने हैं जिससे कि पानी को बचाया जा सकता है। कंजर्व वॉटर मतलब पानी को बचाना। द सप्लाई ऑफ वॉटर
टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। समय समय पर अपने खेतों को पानी देना, क्रॉप यानी फसलों को पानी देना, खेतों को पानी देना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? इरिगेशन। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि जो रेन वाटर होता है यानी बारिश होती है उसको हम इरिगेशन नहीं कहते। जो फार्मर्स, जो किसान अपने खेतों को खुद पानी देने का इंतजाम करते हैं उन्हें इरिगेशन कहा जाता है। When crops are irrigated, जब क्रॉप इरिगेट होती है यानी जब फसलों को पानी दिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इरिगेशन से फायदा क्या होता है? देखिए, जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये जब पानी में घुल जाते हैं तो उसके बाद ही ये ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं यानी पहुंच पाते हैं टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के हर पार्ट तक। इसका मतलब न्यूट्रिएंट जो क्रॉप फसलों के लिए बहुत जरूरी होते हैं वो तभी प्लांट के हर पार्ट तक पहुंच सकते हैं जब वो पानी में घुले हुए हो यानी पानी में डिजोल्व हो। इसलिए जो फसलें होती हैं, जो पौधे होते हैं, इनकी सिंचाई यानी इनमें पानी डालना बहुत जरूरी होता है। इरिगेशन को हम हिंदी में सिंचाई कहते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि पौधों को या फसलों को पानी देना। अब इसमें हम पहला मेथड देखेंगे जो कि पानी को बचाता है और फसलों को अच्छे से पानी भी देता है। तो पहला मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम एक फव्वारे की तरह काम करता है और ये बिल्कुल वैसे ही क्रॉप के ऊपर पानी डालता है जैसे कि बारिश का पानी गिरता है। कैसे? इन दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। अब इसको ध्यान से समझिएगा। इस मेथड में क्या होता है, कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं यानी कि सीधे खड़े हुए पाइप लगाए जाते हैं, हैविंग रोटेटिंग नोजल, जिनके ऊपर नोजल यानी छेद होते हैं। रोटेटिंग नोजल मतलब घूमने वाले छेद, यानी ऐसे छेद होते हैं जो कि घूमते हैं ऑन टॉप ऊपर की तरफ। आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन, और ये जो परपेंडिकुलर पाइप होते हैं जिनके ऊपर ये रोटेटिंग नोजल होते हैं घूमने वाले छेद, ये परपेंडिकुलर पाइप्स जुड़े होते हैं, ज्वाइन होते हैं मेन पाइपलाइन से एट रेगुलर इंटरवल, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये परपेंडिकुलर पाइप्स लगाए जाते हैं। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर, और जब मेन पाइप से पानी को छोड़ा जाता है प्रेशर के साथ विद द हेल्प ऑफ अ पंप, और ये पानी किसकी मदद से छोड़ा जाता है? पंप की मदद से एक प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है। इट एस्केप्स, एस्केप्स होता है निकलना, फिर ये पानी निकलता है फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, ये उन्हीं घूमने वाले छेदों से निकलता है जो परपेंडिकुलर पाइप्स के ऊपर होते हैं। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप, फिर ये फवारे की तरह पानी डाला जाता है किसके ऊपर? ये क्रॉप के ऊपर गिरता है। As if it is raining, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बारिश का पानी क्रॉप के ऊपर गिरता है। अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे इरिगेशन का, जिससे पौधों को, क्रॉप को पानी भी मिलता है और पानी वेस्ट भी नहीं होता, यानी पानी का कंजर्वेशन भी होता है, पानी को बचाया भी जा सकता है। ये मेथड है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वॉटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट अ पोजिशन ऑफ द रूट। ये एक ऐसा सिस्टम होता है स्टूडेंट्स जिसमें एक पाइपलाइन बिछा दी जाती है बिल्कुल ग्राउंड के साथ, यानी खेतों के बिल्कुल जमीन के साथ, और छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें जिनमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकलता है और सीधा जो क्रॉप यानी प्लांट होते हैं उनके सीधा जड़ों में जाता है। इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा पानी कहीं भी वेस्ट नहीं होता, यही यहाँ पर लिखा गया है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द वॉटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक ड्रॉप करके पानी निकलता है जस्ट एट अ पोजिशन ऑफ द रूट, और सिर्फ रूट्स यानी के प्लांट्स की जड़ों में, क्रॉप की जड़ों में। इट इज द बेस्ट मेथड फॉर वॉटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज। ये बेस्ट मेथड होता है पानी देने के लिए फ्रूट प्लांट्स में, गार्डन्स में और ट्रीज में। वॉटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता ड्रिप सिस्टम में। इट इज अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर इज पुअर, ये एक वरदान है ऐसी जगहों के लिए जहां पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है यानी पानी की जो मात्रा है वो बहुत पुअर है, बहुत कम है, यानी जिन जगहों पर पानी की मात्रा बहुत कम है वहां पे ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर वीट यानी कि गेहूं को खरीफ सीजन में उगाया जाए तो क्या होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, वीट इज अ रबी क्रॉप, वीट एक रबी क्रॉप है, हेंस इट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस
टू बी ग्रोन प्रॉपरली। तो जितनी भी रबी क्रॉप्स होती है स्टूडेंट्स, जैसे कि ये वीट है, तो ये सर्दियों के दिनों में उगाई जाती है जब बारिशों की क्वांटिटी बहुत कम होती है, यानी कि रबी क्रॉप्स को जैसे कि वीट है, इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसे ठंडे मौसम की जरूरत होती है। इफ इट इज सोन इन द खरीफ सीजन, और अगर इसी वीट की क्रॉप को खरीफ सीजन में उगा दिया जाए, इट विल नॉट ग्रो, तो ये ग्रो नहीं कर पाएगी, और मे गेट डिस्ट्रॉयड, और पूरी तरह से खराब हो जाएगी। ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स इन द खरीफ सीजन, क्योंकि खरीफ सीजन में बहुत ज्यादा यानी एक्सेसिव रेन होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो इतना ज्यादा पानी, इतनी ज्यादा बारिश वीट क्रॉप के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब हम एट्थ क्वेश्चन देखेंगे। एट्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक्सप्लेन हाउ सोयल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। इसका मतलब यह है कि अगर हम कॉन्टिन्यूसली खेती करते रहते हैं एक ही जमीन पर, तो मिट्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम दो क्रॉप्स के बीच में, दो फसलों के बीच में टाइम का गैप नहीं देते हैं, तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, सोयल सप्लाईज न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, जो मिट्टी होती है यही क्रॉप यानी फसलों को न्यूट्रिएंट की सप्लाई करती है। क्रॉप यानी के प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो मिट्टी से ही मिलते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल यानी बहुत जरूरी होते हैं। कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड मेक्स द सोयल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर आप एक ही खेत में, एक ही जमीन पर कॉन्टिन्यूसली खेती करते रहेंगे, तो उस मिट्टी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। दिस मेक्स द सोयल इनफर्टाइल, जिसकी वजह से उस मिट्टी की, उस जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। सोयल का इनफर्टाइल होना मतलब सोयल की क्वालिटी खराब होना, उसकी उपजाऊ शक्ति का कम हो जाना। एंड देन टू रिप्लेनिश द सोयल विद न्यूट्रिएंट्स, फार्मर्स नीड टू एड मेन्योर्स टू द सोयल, और अगर जमीन में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए फार्मर्स को क्या ऐड करना पड़ता है मिट्टी में? मेन्योर। देखिए यही कहा गया है कि टू रिप्लेनिश, दोबारा बनाने के लिए, क्या दोबारा बनाने के लिए? सोयल में न्यूट्रिएंट को दोबारा बनाने के लिए फार्मर्स को मेन्योर ऐड करने पड़ते हैं मिट्टी में, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट खत्म हो गए थे वो दोबारा बन सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो क्रॉप्स के बीच में, दो फसलों के बीच में टाइम का गैप रखना चाहिए, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है एक क्रॉप उगाने पर, उसको पूरा करने के लिए समय मिल जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, व्हाट आर वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, हम वीड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखिए, द अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड आर कॉल्ड वीड्स विच हैव टू बी रिमूव्ड। जब हम क्रॉप उगाते हैं, जब हम फसलें उगाते हैं, खेती करते हैं, तो उन क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जो हमारी जरूरत के नहीं होते, हमारे लिए अच्छे नहीं होते, इनको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, विच हैव टू बी रिमूव्ड, और इन्हें रिमूव करना, इन्हें हटाना जरूरी होता है। अदरवाइज अवर ओन क्रॉप प्लांट्स मे नॉट गेट सफिशियंट वॉटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, और अगर हम इन वीड्स को नहीं हटाएंगे, तो देखिए क्या क्या परेशानी होती है। ये जो वीड्स होते हैं, ये जो मेन क्रॉप होती है, उसके साथ कंपटीशन करते हैं, किस किस चीज के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, यानी जो वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस यानी जगह, और जो लाइट क्रॉप को मिलनी चाहिए, उसको ये वीड्स भी यूज करना शुरू कर देते हैं। तो यही यहां पर लिखा गया है, विच हैव टू बी रिमूव्ड, यानी इन वीड्स को रिमूव करना चाहिए। अदरवाइज अवर ओन क्रॉप प्लांट्स, तो अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारे जो क्रॉप प्लांट्स होंगे, मे नॉट गेट सफिशियंट वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में ना वाटर मिलेगा, ना न्यूट्रिएंट, ना स्पेस, ना लाइट, क्योंकि ये सारी चीजें वीड्स भी यूज करना शुरू कर देंगे, जो हमारे लिए वैसे ही किसी काम के नहीं होते, तो इससे हमारी क्रॉप पे बुरा प्रभाव पड़ता है। वीड्स आर रिमूव्ड बाय मैनुअल मेथड और बाय यूजिंग वीडिसाइड्स। वीड्स को रिमूव करने के लिए मैनुअल मेथड भी होते हैं, और इनको वीडिसाइड्स यानी केमिकल्स की मदद से भी हटाया जा सकता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम
क्लोज टू द ग्राउंड, जो मैनुअल मेथड होता है वीड्स को हटाने का, उसमें हम क्या करते हैं, हम फिजिकली रिमूव कर देते हैं वीड्स को बाय अप रूटिंग, उखाड़ कर, हाथों से उखाड़ कर उसको अलग कर सकते हैं जमीन से, और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, ये बिल्कुल ग्राउंड के साथ नीचे से उसको काट सकते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी, ये खुरपी की मदद से किया जाता है। इसके अलावा केमिकल मेथड भी होता है वीड्स को हटाने का, वी कैन रिमूव वीड्स बाय यूजिंग वीडिसाइड्स, वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करके भी वीड्स को रिमूव किया जा सकता है। वीडिसाइड्स ऐसे केमिकल होते हैं स्टूडेंट्स, जिनका स्प्रे करने पर वो वीड्स को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसके ऊपर उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। दीज वीडिसाइड्स ओनली डैमेज वीड्स, ये जो वीडिसाइड्स होते हैं ये सिर्फ वीड्स को डैमेज करते हैं, वीड्स को खत्म करते हैं, एंड डू नॉट हार्म क्रॉप्स, ये हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।